हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आप सभी लोगों को कुछ एग्जांपल बताए थे लेंस द्वारा जो न्यूमेरिकल चल रहे थे हमारे। तो न्यूमेरिकल में क्या था कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकल दूरी वाले ही एग्जांपल थे। अब अगर हम बात करेंगे कि वस्तु का आकार दे दिया जाए, वस्तु का आकार दे दिया जाए या प्रतिबिंब का आकार दे दिया जाए, प्रतिबिंब का आकार दे दिया जाए या आवर्धन दे दिया जाए, तब सवाल कैसे लगेंगे। तो जो ये सूत्र का निगमन है, जो हमारे आवर्धन वाला वो हटा दिया गया, केवल डायरेक्ट सूत्र दे दिया गया है एम बराबर आई अपान ओ बराबर ई बी बटे यू, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। किसी प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। किसी प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु के प्रतिबिंब के आकार को आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु के आकार को ओ से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को वी से और प्रतिबिंब वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास ये सूत्र होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी कि जिन जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी वही सूत्र से हम निकाल लेंगे, तीनों आपस में बराबर हैं। चलिए हम बात करते हैं ऐसे एग्जाम्पल क्या है। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी ये वस्तु का आकार दे दिया गया है, 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन। तो पिन एक यहाँ पर वस्तु का कार्य करती है, 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो जो पिन है वो 2 सेंटीमीटर लंबी है और लेंस के आगे, यानी कि लेंस के आगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या मान दिए गए हैं वो देख लें कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमने आप सभी लोगों को बताया था कि फोकस दूरी उत्तल लेंस की जो है वो प्लस में लेते हैं एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एफ बराबर 20 सेंटीमीटर और इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन रखी है, 2 सेंटीमीटर लंबी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पिन है वो वस्तु का कार्य करती है और वस्तु की लंबाई किससे लिखते हैं, ओ से। ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो U बराबर वस्तु की दूरी को लिखते हैं U बराबर 10 सेंटीमीटर और पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पिन के प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसे I से लिखते हैं, I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या पता लगेगा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो हमने एक बात बताई थी कि वस्तु की जो दूरी है वो सभी में माइनस की लेते हैं और वस्तु का जो आकार है साइज उसे हम प्लस में ही रखते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में ली जाती है। अब हमारे पास जो फार्मूला था एम बराबर आई अपान ओ बराबर बी अपान यू, अब एम की तो हमें आवश्यकता है नहीं कुछ, तो इस वाले को उठा लेंगे इतने, आई बराबर ओ वो सॉरी आई बटे ओ बराबर बी बटे यू। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, आई का मान ज्ञात करेंगे। आई का मान हम ज्ञात तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बी का मान हो। यहाँ पर हमें यू का मान भी पता है और ओ का मान भी पता है, बी का नहीं पता है। तो बी का हम निकाल देंगे, ये फोकस दूरी भी दी गई है। तो बी का मान निकालने के लिए हम भाई लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे, वन अपान एफ बराबर वन अपान बी माइनस वन अपान यू।
वन अपान एफ, एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, और बराबर एक बटे बी का मान हमें निकालना ही है इस सूत्र में रखने के लिए, तभी हम आई का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो बी माइनस वन अपान यू का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर है, तो एक बटे बीस बराबर एक बटे बी, या माइनस और माइनस प्लस एक बटे दस। अब क्या करना है, जो एक बटे दस है उसे इधर लाना है, तो इधर लाएंगे तो एक बटे बी बराबर हो जाएगा एक बटे बीस माइनस एक बटे दस। अब हम एलसीएम ले लेंगे, भिन्न बन गई है हमारी, एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम लेने के लिए हम ऐसी संख्या रखते हैं कि दोनों संख्याओं का भाग चला जाए उसमें, तो 20 है, 20 का भाग एक बार चला जाएगा और 10 का भाग दो बार जाएगा, 20 ले लिया एलसीएम, क्या बचेगा 20 एकन 20 और एक एकन एक, एक बचेगा 10 दूनी 20, दो बचेंगे माइनस दो। तो एक बटे बी बराबर, अब यहाँ देखिए क्या है, माइनस का एक बचेगा, माइनस का एक बटे 20, माइनस का एक बचा है, एक बटे बी बराबर माइनस चिन्ह हम बीच में लगा लेंगे एक बटे बीस, कैंची गुणा कर देंगे, बी बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, हमारे पास बी का मान आ गया है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, बी का मान रख देंगे, तो जब बी का मान रखेंगे तो आई, आई का मान कितना है निकालना, आई का मान तो निकालना ही है, आई बटे ओ का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 बराबर बी का मान कितना है, अभी निकला है माइनस के 20, और यू का मान कितना है माइनस के 10। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 एकन 10 दूनी 20, तो आई बराबर आई अपॉन 2 बराबर केवल 2 बचेगा यहाँ पर, इसके बटे बन कर लो, या इसका कर दो, इसका इसमें कर दो, तो आई बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की लंबाई आ गई हमारी, प्रतिबिंब का साइज देख लो, इसमें क्या दिया गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी रखते हैं प्लस में, वस्तु का आकार दिया गया है 2 सेंटीमीटर वो प्लस में रहेगा, वस्तु की स्थिति दी गई है यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका मान हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखते हैं आई से, आई बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे, एम बराबर आई बटे ओ बराबर बी बटे यू, हमें ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, जितनी भी आवश्यकता होती है उसको उतना उठा लेते हैं, एम की आवश्यकता यहाँ तो है नहीं, तो एम को छोड़ देंगे, हम आई बटे ओ बराबर बी बटे यू निकाल लेंगे। अब आई का मान निकालने के लिए हमें बी का मान पता होना चाहिए, और बी का मान निकालने के लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे चिन्ह सहित मान रख के हल कर देंगे, तब बी बराबर आएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब माइनस के 20 सेंटीमीटर इसी सूत्र में रख देंगे, तब हल करेंगे, तब आ जाएगा आई बराबर 4 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर एक एग्जांपल आपको घर के लिए देंगे। अब अगला एग्जांपल है हमारे पास कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसके जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, तो वस्तु के वस्तु से लेंस की दूरी क्या होगी, घुमाकर पूछ दिया गया है, ये वस्तु की दूरी ही पूछ रहा है कि वस्तु से लेंस की दूरी क्या होगी या लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, फोकस दूरी दी गई है, लिख लेंगे एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है इसलिए इसका मान प्लस में रहेगा, जिसके सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, तो मान लेंगे कि माना वस्तु का आकार यानी ओ बराबर
एक्स है तो आई बराबर हो जाएगा एक बटे तीन एक्स, प्रश्न के अनुसार एक बटे तीन, यानी मान लिया है कि अगर वस्तु का आकार एक्स है तो प्रश्न के अनुसार प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा एक बटे तीन एक्स। और दिया गया है कि वस्तु से लेंस की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु की दूरी यू बराबर क्वेश्चन मार्क यू पूछ रहा है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई, वस्तु की हमने मान ली है कि वस्तु का आकार यदि एक्स है तो प्रश्न के अनुसार प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा एक बटे तीन एक्स। माइनस चिन्ह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो हम माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। और पूछ रहा है कि वस्तु से लेंस की दूरी क्या होगी, यानी कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है यू बराबर। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आई अपान ओ बराबर बी अपान यू, क्योंकि वस्तु की दूरी निकालने के लिए हमें प्रतिबिंब की दूरी तो पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी पहले निकाल लेंगे और उसके बाद वस्तु की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आई का मान क्या है, माइनस के एक बटे तीन एक्स बटे, और ओ का मान है एक्स बराबर बी बटे यू, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा माइनस एक बटे तीन, माइनस एक बटे तीन बराबर बी बटे यू। तो यू बराबर यू बी बराबर हो जाएगा माइनस यू अपान थ्री। अब बी के स्थान पर हम रखेंगे यू बटे तीन। भाई सूत्र लगा दो, एक बटे एफ बराबर एक बटे बी माइनस एक बटे यू। तो एक बटे एफ का मान कितना है हमारे पास 20, बराबर एक बटे यू का बी का मान कितना है माइनस के, माइनस के यू बटे तीन माइनस एक बटे यू। अब तीन जो है हमारे पास वो ऊपर चला जाएगा, एक बटे 20 बराबर माइनस थ्री अपान यू माइनस वन अपान यू। अब यू हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो एक बटे 20 बराबर माइनस चार बटे यू, माइनस चार बटे यू, कैंचीदार गुणा कर देंगे तब आंसर आ जाएगा हमारे पास यू बराबर माइनस बी चकू 80 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस और वस्तु के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी होगी 80 सेंटीमीटर। देखो अब इसके बाद हम आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो वो करके आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। अब ये रहा तुम्हारा क्या होमवर्क है, और इसे सभी लोग अपने घर पे आराम से बैठ करें और व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर उसकी डालें। क्या है कि एक लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी इसी टाइप का सवाल हमने लगवाया था कि दोगुना बड़ा बनता है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि अगर वस्तु का आकार एक्स है तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा 2x, इसी प्रकार से लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।